नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। केरल में चुनावों से पहले ही कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के और वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो कि कांग्रेस को चुनावों के चलते भारी नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ काम करना बेहद ही मुश्किल हो चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए, केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, मैंने कांग्रेस छोड़ दी है और अपना इस्तीफा पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के साथ ही पीसी चाको ने केरल में पार्टी के टिकट बंटवारे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मैं केरल से आता हूं, जहां कांग्रेस जैसी कोई पार्टी नहीं है। वहां दो पार्टियां हैं, कांग्रेस आई और कांग्रेस ए। दो पार्टियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो केपीसीसी की तरह काम कर रही है। केरल एक अहम चुनाव के मुहाने पर है। लोग कांग्रेस की वापसी चाहते हैं, लेकिन शीर्ष नेता गुटबाजी में लगे हैं। मैं हाईकमान से कह चुका हूं कि ये सब खत्म होना चाहिए, लेकिन हाईकमान दोनों समूहों के प्रस्तावों से भी सहमति जता रहा है। कांग्रेसी होना सम्मान की बात है, लेकिन केरल में आज कोई कांग्रेसी नहीं हो सकता। या तो वो आई ग्रुप से हो सकता है या फिर ए ग्रुप से। इसीलिए मैंने उससे बाहर निकलने का फैसला किया। इस आपदा को हाईकमान मूकदर्शक बनकर देख रहा है और कोई हल नहीं है। केरल में विधानसभा की 141 सीटें हैं, जिसमें से 140 निर्वाचित और एक सीट नामित होती है। केरल की 140 विधानसभा सीटों पर एक फेज में चुनाव संपन्न कराया जाएगा और राज्य की सभी सीटों पर वोटिंग 6 अप्रैल को होगी। मतों की गणना 2 मई को की जाएगी। कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लगना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भाई भतीजावाद नीति से सभी दुखी हो चुके हैं, तो सबके सब पार्टी से किनारा करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। पर इस नीति की वजह से पार्टी को हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है और गर्त में जा रही है। सोनिया गांधी की पार्टी जिस तरह से डूबती जा रही है, उससे तो यही लगता है कि पार्टी का सत्ता में वापस लौटना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का विश्वास पार्टी से उठ चुका है। साथ ही पार्टी की भाई भतीजावाद की नीति से सब परेशान हो चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।